गाइज, आप लोगों ने अपनी स्कूल्स की किताबों में पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी और उसके कुछ एलिमेंट आज भी आपको याद होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इजंट इट। लेकिन क्या आपने थोरियम के बारे में सुना है, जो कि एटॉमिक नंबर 90 पे आता है? थोरियम, थोर ईयम, थोर से मार्वल का वो सुपर हीरो कैरेक्टर याद आता है। पर सवाल ये है कि क्या थोरियम और थोर, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है? जी हाँ है। एक्चुअली थोरियम मेटल का नाम थोर से इंस्पायर होके ही रखा गया था। लेकिन आपकी जानकारी को थोड़ा और बढ़ा देता हूं। बाय द वे, जर्मन माइथोलॉजी में थोर को द गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है और एक्चुअली उसी से इंस्पायर्ड होके थोरियम मेटल का नाम रखा गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, ये आपने साइंस की किताबों में जरूर पढ़ा होगा कि कोई भी एटम या एलिमेंट तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है। इनफैक्ट ये पूरी ही यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन 60,000 योटा ईयर्स तक एग्जिस्ट कर सकता है। 60,000 योटा ईयर्स मतलब अपनी यूनिवर्स की एज के 5 गुना ज्यादा समय तक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। ओ माई गॉड, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। पीने के पानी की कमी और साफ पानी के खत्म होने का डर आज हर देश में है। जहां एक ओर सभी देश पीने के पानी की कमी के चलते परेशान हो रहे हैं, वहीं रशिया के साइबेरिया में एक झील ऐसी है जहां पर दुनिया का 20% फ्रेश यानी कि साफ पीने लायक पानी मौजूद है। उस झील का नाम है झील बैकाल। जी हां गाइस, इसमें दुनिया के 20% साफ पानी का भंडार है और उसके अलावा ये झील लगभग 1600 मीटर गहरी है और दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है। नाम है झील बैकाल। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है और उसका फोबिया भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से एक बार इंटरनेट पे एक पोस्ट वायरल हो गया, जो पोस्ट आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि परसेंटेजेस आर रिवर्सिबल, मींस जो 25 का 8% होता है उतना ही 8 का 25% भी होता है और उनमें से एक को आप आसानी से अपने दिमाग में ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मतलब ये है कि अगर आप 25 का 8% निकालने बैठोगे तो वो उतना ही आएगा जितना 8 का 25%, और 8 का 25% निकालना बेहद आसान है। 1/4 ही तो करना है और 8 का 25% यानी कि 1/4 कितना होगा, 2। ये इस पोस्ट का मतलब है। ये फैसिनेटिंग सा मैथ्स का फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इंडोनेशिया में चावल यानी कि राइस की खेती करने के लिए वो लोग राइस फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसमें होता कुछ यूँ है कि राइस की खेती करने में फसलों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग मछलियाँ छोड़ देते हैं और मछलियों को वो लोग पालते भी हैं। अब होता कुछ यूँ है कि मछलियों की ड्रॉपिंग बेसिकली किस तरह से काम करती है, फर्टिलाइज़र की तरह से, और मछलियाँ एक्चुअली पेस और इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं। अब इससे डबल फ़ायदा हो गया, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ी, पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और इससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है उससे 10% ज़्यादा पैदावार होती है चावल की। है ना ये कमाल की टेक्निक? आपको ये टेक्निक सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।